हेलो फ्रेंड्स, एआईएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के कोलकाता रीजनल सेंटर के जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिंक और डिटेल्ड गाइडलाइंस के बारे में। कंप्लीट डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज 26 अप्रैल 2021 की डेट में इग्नू के रीजनल सेंटर कोलकाता ने भी अदर रीजनल सेंटर्स की तरह ऑनलाइन सबमिशन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी कर दिया है व डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी कर दिए। लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS Education पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि इग्नू से जुड़े अपडेट्स के वीडियोज और क्लासेस जो भी हम अपलोड करें वो आप लोगों तक इमीडिएटली पहुंच सके। वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए जा रहे हैं, जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप इग्नू की हर डिटेल से अपडेटेड रह सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू के रीजनल सेंटर कोलकाता ने आज 26 अप्रैल 2021 की डेट में ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें लिखा है कि अगर आपने अपने असाइनमेंट अगर स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर में जमा कर चुके हो, हार्ड कॉपी जमा कर चुके हैं, तो दोबारा से जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दो बार जमा कर दिए तो आपका असाइनमेंट का रिजेक्शन का रीजन होगा। तो ये डिटेल है और गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग अपने असाइनमेंट डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। ये है रीजनल सेंटर कोलकाता जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन का गूगल फॉर्म का लिंक। गाइडलाइंस हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार ही सबमिट करना। अगर आपने ये लॉकडाउन या कह लो कॉलेज स्कूल क्लोज होने से पहले अगर आपने हार्ड कॉपी जमा कर दी थी अभी मार्च अप्रैल में, तो आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। पहला, एक असाइनमेंट आपको एक बार ही जमा करना है। दूसरा, जो भी असाइनमेंट आप जमा कर रहे हैं उसमें करेक्ट इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और स्टडी सेंटर कोड एंटर करना है। और जो भी आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं वो हैंड रिटन और PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। जो फाइल नेम आपको देंगे उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो असाइनमेंट आप स्कैन कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो रीडेबल हों, इवेल्यूएशन पर्पज़ के लिए यूज किए जा सके। इसके अलावा जो साइज़ परमिटेड है, मैक्सिमम साइज़ 10 MB। तो ये डिटेल्स थी। अगर आपके 8 असाइनमेंट है तो आपको 8 बारी गूगल फॉर्म फिलअप करने, बारी बारी से अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। इसके अलावा लिखा गया इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ चांसेस है कि आप सबमिट करें उसमें इरर भी आ सकती है, इसलिए आप अपने हार्ड कॉपी प्रूफ के तौर पर अपने पास संभाल के रखें, ताकि अगर बाद में डिमांड किया जाए तो आप अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को प्रोड्यूस कर सकें। हर असाइनमेंट जो आप जमा कर रहे हैं उसके हर पेज के ऊपर इंपॉर्टेंट डिटेल, आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने ये काम नहीं किया। तो हर पेज पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करना है। अगर आपके असाइनमेंट 25 पेज हैं तो हर पेज के ऊपर आपका इनरोलमेंट नंबर और आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस इस फॉर्म में, इनरोलमेंट नंबर, नेम, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर और बारी बारी से PDF 10 MB तक ही परमिटेड साइज है अपलोड कर दें और सबमिट कर दें। अगर आपका ज़्यादा MB हो रहा है तो आप कोई भी PDF कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेस करने के बाद उसकी क्वालिटी जरूर चेक कर लेगी वो सही है या नहीं। तो डिटेल्स थी हमारी आज की रीजनल सेंटर कोलकाता की। फर्दर इग्नू से जुड़े अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल AIS Education को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।